प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी तंदुरुस्त होंगे और अभी भी आप में पढ़ाई के लिए उत्साह बना हुआ होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान का पहला अध्याय, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। सबसे पहले बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा है उसके बारे में कुछ जानकारी आपसे ले लेते हैं। पहला प्रश्न, हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर तो आप सभी जानते हैं कि भोजन के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। दूसरा प्रश्न, हमें ये भोजन मिलता कहाँ से है? तो इसका उत्तर भी आप जानते हैं कि खेतों में किसान फसल को उगाते हैं और उसके बाद अनाज और दालें हमारे घर तक पहुँचती हैं। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वह है कि हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसका क्या हम भरण पोषण कर पा रहे हैं या नहीं? तो इसका उत्तर भी है कि हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारा देश पूरी तरह से संपन्न है और हमारी पूरी देश की जनसंख्या को भोजन मिल पा रहा है। बच्चों, आज हम सीखेंगे कृषि पद्धतियाँ, फसल उत्पादन आधारित फसल पद्धतियाँ और भंडारण। बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कृषि और फसल है क्या। तो सबसे पहले कृषि, एक जगह में पौधों की कुछ प्रजातियों को उगाना कृषि कहलाता है। बच्चों, आप सभी जानते ही हो कि फसल अनेक प्रकार की होती है, लेकिन मौसम के अनुसार यह दो प्रकार की होती है। सबसे पहले खरीफ की फसल, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ की फसल कहा जाता है। इसका समय काल जून से सितंबर तक होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं धान यानी कि चावल, मक्का, मूंगफली, कपास आदि। इसके पश्चात हम दूसरे प्रकार की फसल की बात करेंगे जो कि है रबी फसल। यह फसल शीत ऋतु में बोई जाती है और इसका जो समय काल है वह है अक्टूबर से मार्च तक। इसके कुछ उदाहरण हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि। फसलों का वर्गीकरण करने के बाद अब बच्चों हम कृषि पद्धतियों के बारे में जानेंगे। अलग अलग फसलों को उगाने के लिए किसानों को समय समय पर अनेक क्रियाकलाप करने की आवश्यकता पड़ती है। इन क्रियाकलापों को ही कृषि पद्धतियां कहते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां इस प्रकार से हैं। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठवा कटाई और सातवा भंडारण। बच्चों, फसल उगाने के लिए सबसे प्रथम चरण मिट्टी तैयार करना है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। बच्चों, ये क्यों जरूरी है? जुताई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़े भी सरलता से स्वच्छ कर सकती है। पोली मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में पूरा मौका मिलता है। जुताई करने से मिट्टी से नदीन भी बाहर आ जाते हैं। जुताई करने से मिट्टी कुदरती रूप से पोषक पदार्थों से भरपूर हो जाती है। यह सब कार्य करने के लिए कृषि औजारों की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, प्राचीन काल में यह कार्य हल के उपयोग से किया जाता था। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आइए दूसरे औजार के बारे में जानते हैं। दूसरा औजार है कुदाली, जो खरपतवार निकालने के लिए एवं मिट्टी को पोला करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है
जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। आजकल इस कार्य के लिए कल्टीवेटर का उपयोग किया जा रहा है। इससे श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। इसके बाद भूमि के एक समान किया जाना आता है, जिसके साथ बुआई करना और सिंचाई करना आसान हो जाता है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। बच्चों, कृषि उत्पादन में मिट्टी तैयार करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो है बुआई। अब बुआई करने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम अच्छे बीजों का चयन करें। तो बीज अच्छी गुणवत्ता के हैं और स्वस्थ हैं, इसके बारे में हम कैसे जानें? तो बच्चों, इसके लिए आज हम एक क्रियाकलाप करेंगे। बच्चों, इसके लिए हम कुछ गेहूं के बीज लेंगे और उन्हें पानी से भरे एक बर्तन में डालकर देखेंगे। तो कुछ मिनट के बाद आप देख पाएंगे कि कुछ बीज जो हैं वो तैरने लगे हैं और कुछ बीज जो हैं वो डूब गए हैं। जो बीज तैर रहे हैं वो खोखले और हल्के हैं। तो इसका मतलब जो बाकी के बीज हैं जो नीचे बैठे हैं वो स्वस्थ और अच्छे हैं। तो आप इस प्रकार से क्रियाकलाप करके यह पहचान कर सकते हैं कि अच्छे और स्वस्थ बीज कौन से हैं। तो जो बीज पानी में डूब जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, वह स्वस्थ होंगे, और जो बीज पानी में तैरने लगेंगे वो खराब और अस्वस्थ होंगे। बच्चों, अब हम देखते हैं कि बुआई किस प्रकार से की जाती है।
बच्चों, बुआई के पश्चात अब हम खाद के बारे में जानेंगे। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहा जाता है। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। खाद दो प्रकार की होती है, जैविक खाद और रासायनिक खाद। बच्चों, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। प्राचीन काल में भी मिट्टी की उपज शक्ति बढ़ाने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि पौधा या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। यह तरीका आजकल भी इस्तेमाल किया जाता है। यह खाद भूमि के गठन में सुधार करती है और पानी को सोख कर रखने की समर्था को भी बढ़ाती है। लेकिन ज्यादातर जैविक खाद की जगह आजकल रासायनिक खाद को इस्तेमाल किया जा रहा है। रासायनिक खाद कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों में समृद्ध होते हैं। इन खादों का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उदाहरण के लिए यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके का अर्थ है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। यह सभी मशहूर खादें हैं। इसके उपयोग से बहुत सी फसलों से अच्छी उपज प्राप्त हुई है और किसान को बहुत फायदा हुआ है और इससे हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ है। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल जरूरत से अधिक करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अत्यधिक उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है और तो और यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। बच्चों, अब हम जैविक खाद के लाभ देखेंगे। इससे मिट्टी में जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। बच्चों, खाद मिलाने के बाद अब समय है सिंचाई का। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देने को सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई के क्या लाभ हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहला, यह बीजों के अंकुरण में सहायता करती है। दूसरा, फसलों को पाले एवं गर्म हवा से बचाती है। मिट्टी में नमी को बनाए रखती है। अब जान लेते हैं सिंचाई के स्रोत के बारे में। सबसे पहले कुआं, इसी प्रकार जलकूप, तालाब, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि सभी सिंचाई के स्रोत हैं। अब सिंचाई किस प्रकार से की जाए, उसके तरीके क्या हैं? तो इसमें कुछ तो पारंपरिक तरीके हैं और कुछ आधुनिक तरीके हैं। सबसे पहले हम पारंपरिक तरीकों के बारे में जान लेते हैं। पारंपरिक तरीकों में मोट या घिरनी का उपयोग, चेन पंप का उपयोग, ढेकली का उपयोग और रहट का उपयोग किया जाता है। आजकल आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल भी किसान कर रहे हैं, जैसे कि छिड़काव तंत्र, और दूसरा ड्रिप तंत्र। इससे पानी की बचत भी हो जाती है। बच्चों, सिंचाई करने के बाद
खरपतवार से सुरक्षा बहुत जरूरी है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग जाते हैं। इन फालतू अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसानों द्वारा विभिन्न विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो नामक यंत्र से किया जाता है। आप देख पा रहे हैं निराई करता हुआ एक किसान। खरपतवार हटाने को ही निराई करना कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार फसलों के साथ जल, पोषक, जगह और प्रकाश की प्राप्ति के लिए मुकाबला करती है। फसलों की कटाई के समय बाधा डालती है। कुछ खरपतवार मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी होते हैं। खरपतवार हटाने के ढंग: हाथ से उखाड़ना, सीड ड्रिल की सहायता से इन्हें हटाना। जुताई करना, कुछ रसायनों का इस्तेमाल 2,4-D और बूटाक्लोर इत्यादि का। इसके पश्चात आती है कटाई। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाती है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। अब हम जान लेते हैं कि कटाई के लिए कौन कौन से औजार इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर पर कटाई के लिए दराती का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल हार्वेस्टर का उपयोग किया जाने लगा है। इसके बाद हम जानकारी लेंगे थ्रेशिंग। काटी गई फसल से बीजों और दानों को भूसे से अलग करना होता है। इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग के औजार कंबाइन या फिर खुद से फटक कर भूसे में से अनाज को अलग किया जाता है। इसके बारे में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। बच्चों, अब आप कटाई पर्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे तो आप पहले से ही कटाई पर्वों के बारे में जानते ही हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि कटाई पर्व कौन कौन से हैं? हाँ, बिल्कुल सही। पंजाब में बैसाखी, तमिलनाडु में पोंगल, आसाम में बिहू और केरल में ओनम। फसल की कटाई के पश्चात जो अगला चरण है वह है फसल का भंडारण। कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए फसलों का उचित भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम जानेंगे कि भंडारण के तरीके कौन कौन से हैं। यदि भंडारण छोटे पैमाने पर किया जाना हो तो यह घरों में किया जा सकता है, जैसा कि हम करते हैं। घरों में धातु के बड़े पात्र या जूट की बोरी में इसे भर के रख लेते हैं। परंतु यदि इसे बड़े पैमाने पर किया जाना हो तो इसे साइलों या भंडार गृहों में रखा जाता है। फसलों को खराब होने से बचाने के ढंग। तो बच्चों, घर पर हम आमतौर पर ऐसा करते भी हैं। अगर आपने फसल को भंडारित किया है तो आप उसमें नीम के सूखे पत्ते या सल्फात की गोलियां डालते हैं। तो बच्चों, आज जो हमने सीखा है उसकी दोहराई कर लेते हैं। मौसम के अनुसार फसलों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, यह हमने सीखा है। और फसलें मौसम के अनुसार 2 प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। इसी के साथ हमने कृषि औजारों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिनकी सहायता से फसलों से अच्छी उपज को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने बुआई का सबसे पहला चरण, जो कि बीजों का चयन है, उसके बारे में भी जानकारी ली
और एक क्रियाकलाप किया कि किस प्रकार से हम जाने कि कौन से बीज स्वस्थ हैं। जैविक खाद रासायनिक खाद से ज्यादा लाभदायक है, यह भी हमने जाना। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देने को सिंचाई कहते हैं। अनाज का उचित भंडारण बहुत आवश्यक होता है, यह भी आज के वीडियो में हमने जानकारी। बच्चों, आज का पूरा वीडियो आपने देखा और बहुत सी जानकारी प्राप्त की। अब आपसे कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा, आपने उनके उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, पौधों की एक प्रजाति को बड़े पैमाने पर उगाने को क्या कहते हैं? फसल, कृषि, खेत। तो इनमें से उत्तर है फसल। अच्छा बच्चों, अगला प्रश्न आप बताइए कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? आप कोई दो फसलों के नाम बता दीजिए। तो फसलें हैं चावल और मूंगफली। अगला प्रश्न है कि खेत में फसल के साथ उगे अवांछित पौधों को क्या कहा जाता है? तो बच्चों, आपका उत्तर सही है, खरपतवार। अच्छा बच्चों, अब आप किन्हीं दो खरपतवार नाशियों का नाम बताइए। तो इसके उत्तर हैं, पहली खरपतवार नाशी 2,4-D और दूसरी खरपतवार नाशी बूटा क्लोर। अच्छा, अगला प्रश्न पूछते हैं, पानी में तैरने वाले बीज कैसे होंगे? बच्चों बताइए, अच्छे या खराब? तो पानी में तैरने वाले बीज खराब होंगे। अच्छा बच्चों, अगला प्रश्न है, मिट्टी को पोला करना क्यों जरूरी है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है, मिट्टी को पोला करने से मिट्टी में जो जड़ें हैं उनको, वो गहराई तक जो जड़ें जाती हैं वो आसानी से स्पर्श कर सकती हैं और इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। अच्छा बच्चों, अगला प्रश्न है, सिंचाई के कोई दो लाभ बताइए। तो बच्चों, उत्तर है बीजों का अंकुरण करवाना और मिट्टी में नमी को बनाए रखना। अब बच्चों, अगला प्रश्न है, पंजाब में कटाई का कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो उत्तर है बैसाखी। अच्छा, अगला प्रश्न पूछते हैं आपसे, कटाई के दो औजारों के नाम बताइए। सही जवाब बच्चों, पहला है दराती और बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है हार्वेस्टर। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो उम्मीद करते हैं कि आपने पाठ को अच्छी तरह से समझा है और जो सारी जानकारी आपको दी गई है वह आप याद रखेंगे। तो बच्चों, सुरक्षित रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान लगाइए। धन्यवाद बच्चों।